क्योंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने यह नैतिक साहस दिखाया, आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे बिलासपुर तेवार से लेकर, सबों ने उनको पीटा। अभी सोनिया जी ने भी बोलते हुए बातें कही कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया, कब से लागू कर देंगे। यह देश संविधान से चलता है। मैं आर्टिकल 243D और आर्टिकल 243T, जिसके लिए कि उन्होंने बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हमने पंचायत में जो है महिला रिजर्वेशन लागू किया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन यह आर्टिकल में 243D और 243T हमने तो नहीं दिया, आप दोनों को पढ़ लीजिए। 243D और टी क्या, पंचायत में किस तरह से रिजर्वेशन होगा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में किस तरह से रिजर्वेशन होगा, आपने उसके लिए कभी ओबीसी की बात तो नहीं की। यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता ओबीसी की बात तो आप जब करिए बहुत अच्छा, इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। उसी तरह से 1947 से लेकर 49 तक ये पूरा संविधान सभा चलता रहा, परसों से यही भाषण सुन रहे हैं सर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ, कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की, विधान परिषद में बात नहीं की। आज भी राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। आप कौन सी नई बात केवल पॉलिटिकल एंगल के लिए ले आते हैं? आपने जब नहीं किया, जब तक आज तक जो है भारत के संविधान में यह कहा गया कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाती है तो आप कहते हैं राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है। आप पंचायत में कहिए कि कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात, सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं? आप उसके ऊपर जो है कहते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत वो स्टक डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दें? और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं। यदि यह महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। मैं अध्यक्ष जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूं, और ये वर्षों से मेरे मन में था। इस पार्लियामेंट में दो बार, संजोग से मैं 2009 में सांसद बनकर आया, अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजनाथ जी सबों के साथ काम करने का मौका मिला सर। 2011 और 2013 में दो भयंकर घटना हुई इसी बिल में। 2011 में जब 2010 में ये बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहां 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल उधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी बिल में पीटा सर। दो बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर,
यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे बिलासपुर तेवार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो चाहे ये प्रमोशन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते, आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की। और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका की मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे इनके सारे मुस्लिम एमपी हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इनको सपोर्ट कर रही है सर। और उन्हीं के दबाव में ये कानून के विरोध में जाकर, इस संविधान के विरोध में जाकर, और उसके सारे उदाहरण है कि 96 से लेके आज तक क्यों नहीं लागू हुआ, उसी के कारण ये कभी ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं, कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं, राज्यसभा में जो है उसको अधिकार देने की बात करते हैं, विधान परिषद में क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया उसकी बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं कि 2024 से क्यों नहीं लागू होगा। इनको सब कुछ पता है।